सुबह के 8:30 आप मम्मी की आज मैरिज एनिवर्सरी, तो उन लोगों को पहले विश करते हैं, वहीं चलते हैं। ये देखो, ये किसी का बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज, दिखाता हूँ। ये स्कूल है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और ये सोच रही है केक मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। मेरा नंबर कब आया केक का, है ना? कुछ नहीं, ये बेटा तभी आई तू बाहर चुप से उठ के। भाई यही तो बोला हमने सबको, तुम मकान का गिफ्ट मैं से दे रहा हूं, अरे उसको दे दे। और मोटी दो 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 दो। पहला तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाई। थैंक यू, फिर किसी बात थैंक यू बोलेगा। मैंने वो व्लॉग में बोला नहीं ना। और क्या गिफ्ट दिया आप रुक जाओ, आपको बाद बाद में पापा आपने मम्मी को क्या गिफ्ट दिया बताओ। पूरा मकान तो बन रहा है, वो गिफ्ट नहीं है, और क्या चाहिए? मैंने एक रिंग, डायमंड रिंग दी मम्मी को। हम तुम्हें बताते नहीं, देख दोनों का मुंह कैसा हो गया। कब दी? अब बताते ही नहीं, हम बताते नहीं है, वरना पहले हमको कुछ पापा गिफ्ट करते हैं, कुछ भी, कोई भी सोने की चीज, मम्मी ये मेरा है, मम्मी ये मेरा है। कब मिली? इधर खड़क छूट गई, खड़क छूट गई वो। इसने तो मैं हार है अपने बर्थडे में। हमारे सुनार की दुकान है क्या? मैंने सोचा था मेरे को मिलेगी है। मम्मी कहाँ है बेटा? तेरे को डायमंड रिंग देंगे भाई, जितने के फोन उतने के डायमंड रिंग आते भाई, देख उतनी की तो आ जाती। कहाँ है? है भाई, तो दिखाओ पड़ेगा, मैंने बोला दिखाना नहीं है, वरना ये बच्चे पहले दिखाया क्यों नहीं इतने दिन से मुझे? अब हम दिखाते नहीं है किसी को। फिर अब आपने क्या दिया? आपने क्या दिया बता ले अब, शर्मा क्यों रही? और कल मैंने बोला मम्मी पापा को क्या देना है, पापा को क्या दे रहा, छोड़ना क्या देना। मैंने कहा ऐसे बोला? हाँ, आपकी कसम। ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसे बोला। देख लिया हो रहा है, वैसे भी मेरे पास नहीं है। देख लिए ये पापा को मैंने दो बड़े बड़े गिलास दे रखे हैं, जो पापा को शौक है ना जिस चीज का। गुसाई जी, गुसाई फैमिली कहाँ है बताओ गिफ्ट पापा का? ये किसने दिया फिर? ये तो डॉक्टर अंकल ने दिया, ताऊ जी ने, डॉक्टर ताऊ जी ने। रात को ही देखो, इतना मतलब इतने बिजी होने के बाद भी बाप रे। देखो रात को आए हो देने के लिए? हाँ, उन्होंने ऊपर अंकल के हाथों भिजवाया। और आपके लिए क्या भिजवाया फिर? घड़ी। अच्छा वो जो बाहर रखी है वो घड़ी टांग दो भैया, वो घड़ी बाहर कर दिया। अरे मैंने इसे कब से आ रही, घर में आई कुछ काम नहीं करती, कब से लगी मैं इसको टांग दे टांग। बोला जाने? अच्छा बोला नहीं, अक्कल भी तो होती है। देखो बोल, बोला नहीं तो अक्कल भी तो घड़ी दर मम्मी। और पता है यहाँ पे वो सीनरी कब से गिरी हुई यहाँ पे, मम्मी क्यों गिरी? मैं कर टांग दे तो मुझे क्या पता, मेरे को लगा आपने जान के निकाल रखी है। वो आज टांग है बेटा, आज टांग लूंगा बस। घड़ी तो मैंने भी दी आपको, है? वो है आ रही है, हर बार भैया का ऐसी होता है आ रही है। अरे मुझे नहीं पता था यार, नहीं आया भैया। देखो भैया आप लोगों ने पहले बोला था कि आप लोग ताऊ जी घर आओगे, तो मैंने सारा ताऊ जी घर ऑर्डर किया, फिर हमारा प्लान बना कि हम दूर हो जाएंगे। मैंने वहाँ अंकल को डेकोरेशन के लिए बोल दिया कर ले तू, तूने एप्पल दिया हमको देता। तू मेरे फोन ऐसे टच करेगी इसमें फोन, वो वीडियो चली जाएगी, ठीक है? उसको बोलते हैं एयर ड्रॉप नाम की चीज होती है, पता है क्या मुझे यार। सुन भाई क्या हाल है? क्या बोलते आ रहे? और बहुत दिन से तू दिख नहीं रहा, टॉपिक बताओ हमारे। हाँ, कुछ तूने क्या दिया मेरे को? आपको क्या? आप मकान का काम कितना? पहले आप दोनों गिफ्ट तो दो, एक दूसरे को दिखाओ तो। हमें क्या नहीं, हम वीडियो में नहीं दिखाते, पर ये बता तूने हमको क्या दिया? अच्छा रात को देंगे आपके लिए वो वॉच मंगाई मैंने, आपका शरीर थोड़ा ज्यादा। पर चीना पापा की थी तो मैं तो वही पहन रही थी। अरे कहाँ गई चीना? मैंने वो यहाँ रखी, यहाँ ड्रॉअर में। पहले मैं दोनों के लिए सेम मंगा रहा था, फिर मैंने कहा नहीं यार। क्यों? पापा के पास थी, पता नहीं पापा के पास थी, मुझे लगा खराब हो गया। पापा पहनते कहाँ उसे? तुम पहनते चीजें मंगाते और पहनते वो बॉक्स मंगे से पैसे पे जमा रहने देते। अब वो कहाँ है टैबलेट जो आपने बोला था? तूने इस मोबाइल की डाली उसमें, एक काम तो करता नहीं है जो मैं डाले। आपने वो देखी अभी तक? हाँ वो देख ली, वो तो उसी दिन देख ली। ब्लॉग देखना जरा आज का,
ये कुछ तो कुछ कंट्रीब्यूट करती नहीं है। सुलुक बोलते मैं तो भेज रहा है, ये खरीदते तो इतना बड़ा कर देंगे। मैंने कहा तेरे लिए तेरे बड़े के चक्कर में मेरा खराब हो जाएगा। वही तो, तुम कहीं निकल के दिखा दो दोनों का, दोनों तहां मार दो। हम निकल के घर आ जाते हैं, दोनों दोनों वो बैठ रहे हैं, वो तो कहीं नहीं निकलेंगे। हम दोनों निकल के घर आ जाते हैं। मम्मी तुमसे बेस्ट है, तुमको ही पालना है, हम तो बेपालना। अरे नहीं, फिर ऐसे करेंगे हम सब एक दूसरे को पाल लेंगे ना फिर। हां ये सही बोला है ना, देख मैं सही बोलता भाई। दुकान खोल दो, टाइल्स मार्बल की बहुत चली गई। मैनेजर रख दूंगा। नहीं नहीं, और कोई पार्टनर तो बिल्कुल मत रखना, सबसे ज्यादा होगा तो आप ही लगाना। मार्बल की मेले खोल दो। क्या सीरियस क्या हो रहे हो? सीरियस नहीं हो रहा है, सीरियसली बैठ जा रहा है। बैठ दोनों जाएंगे ना, नौकरी छोड़ रहा हूँ मैं तो, लगा हुआ कि नौकरी छोड़ के मैं घर ही आ जाता हूँ। अब आईडिया बुरा नहीं है वैसे, बिल्कुल बुरा आईडिया है। आप सेवा करना है। अरे आप ऑफिस में लोग पैसे दे, इसी को रख लो ना अपने साथ। तो पढ़ा भी तो होना चाहिए, ऑफिस में रख के क्या करूँ, काम सिखाओ तो साथ में लॉबी करता रहेगा ये, और क्या। अभी पढ़ाते ही रहूंगा 28 साल बाद भी, तो मैं पीएचडी करने का सोच रहा था, अब तो पढ़ाने का बात कर। पीएचडी कर ले, मैं तुम बोल ही रहा, क्यों नहीं कर रहा पीएचडी? किसमें करेगा? अरे वो तो 2014 की तो बात है, तब वहाँ पे एक सर था आलिन सर, उनको मैंने 5 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाती है उनकी। मैंने कल देखी भाई फोटो, मैंने लिखा फाइनल पीएचडी कंप्लीट। मैं सोच रहा हूँ भाई 8 साल हो गए आपको कितने होंगे फिर? आप तो 16 साल लगोगे। नहीं नहीं, 2 साल में करूंगा, थोड़ा ब्रेक ले लूंगा, फिर दोबारा करूंगा। अपने पापा को चिराग बोलेंगे, चिराग जरा पापा को बोल रहा है, चिराग बोलेगा तुम ही बोल लो, तुम तो कम खाओगे मैं ज्यादा खाऊंगा। नहीं नहीं, जैसे यहाँ से घर से तो साथ में जाएंगे, जैसे ऑफिस के अंदर घुसेंगे ना, पापा बाहर से होंगे ना, अंदर ऐसे हो जाएंगे। हम दोनों दिमाग खराब हो जाएगा पहले 2-3 दिन यार। जैसे हम जो पापा रहते हैं घर में है, खूब हंसी मजाक हो रहा है, मजा आ रहा है, और जाएंगे चलो चलो बाय मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हम बोलते हैं ओके पापा बाय, ओके ओके सी यू और चले गए हैं, और फोन छूट गया। जानू मेरा फोन छूट गया, जरा ऑफिस में आना। अब मैं तो वही नेचर भाई, अभी खुश मिजाज होके गए हैं, और मैं वहां जाके पापा 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 फोन अब मैं वहां पे खड़ी रहती हूँ कि शायद अब रिस्पॉन्ड नहीं, जा खड़ी क्यों है। और फिर वहां पे मैं औरों के साथ हंसी मजाक करूँ, और दीदी और भैया, मैं बोलती हूँ क्या कल्टा एंड्रू आ गया ये बात। और परसों कोर्ट में गई मैं, और कोर्ट में अंदर जाना मना था परसों, तो मना था, तो भाई गेट के बाहर ही बैठी हुई थी मैं। अब पापा दिख ही नहीं रहे, तो दिख ही नहीं रहे, कोर्ट के अंदर रहो तो दिख भी जाते, और दिख ही नहीं रहे। और आकांक्षा और मैं बाहर और स्कूटी में बैठे हुए, और पापा आए कोर्ट के बाहर से, वॉशरूम जा रहे थे, और दिखे मेरे को बाहर आते हुए। मैंने कहा भाई मेरे पापा आ रहे, मेरे पापा आ रहे, और वॉशरूम जा रहे थे। और जैसे ही पापा कोर्ट के गेट तक पहुंचे, मैंने कहा कर रहे चले गए वहां से, इग्नोर करके, ऐसा लगा होंगे ही नहीं। आकांक्षा कह रही तेरे बाबू ने तो तेरे को पहचानने से ही इनकार कर। ताऊ जी हाँ, अब पापा ने बोला कि भाई तू व्लॉग बना रही है, तो भाई ताऊ जी को मत बताना कि तू, मतलब ताऊ जी की नजरों में मत आना। ताऊ जी से मिली तो अभी तक वैसे, उसके बाद ताऊ जी से मिलो तो सही तुम पहले, क्योंकि ताऊ जी नाराज हो रखे हैं कि भाई वो उस सेंसिटिव मामला है, वो उस मामले में व्लॉग मत बनाओ। तो मैं आ गई उस दिन भी व्लॉग बनाने, तो पापा ने कहा भाई तू व्लॉग बना रही है तो ताऊ जी की नजरों में मत आना, बाहर ही रहना। हाँ, अब ताऊ जी भी कोर्ट में है ना। अब क्या हुआ, हम बैठे रहे बहुत देर तक, तो ताऊ जी दिखे ही नहीं, दिखे ही नहीं। अब 1 बजे ताऊ जी आ रहे थे बाहर, और मैंने आकांक्षा को बोला, मैं कोर्ट के बाहर थी और ताऊ जी कोर्ट वोट लेके बाहर आ रहे थे, निकलने को हो रहे थे। मैंने कहा आकांक्षा मेरे ताऊ जी आ रहे, मैंने कहा कहाँ उड़ गए, और देखा तो ताऊ जी चले गए वॉशरूम। मैंने कहा अबे यार ताऊ जी तो वॉशरूम जा रहे थे, चल वहीं चलते हैं वापस। फिर बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद ताऊ जी दिखे आते हुए, और सोनू दीदी भी दिखी। हमने कहा अब तो पक्का निकल रहे, फिर हम भाग गए उधर इधर उधर उधर ना, छुप गए। ताऊ जी कोर्ट के गेट तक पहुंचे, तब तक 2 क्लाइंट आए, और ताऊ जी ने उनसे बात करी और फिर अंदर चले गए। पता नहीं कुछ छूट गया होगा कुछ। अब बोर्ड मैंने कहा फिर चले गए ताऊ जी, चलो आ जाओ है ना, वहीं बैठ जाते। फिर 1:30 में एग्जैक्ट ताऊ जी बाहर आए और निकल ही रहे थे तब तक। मैंने कहा रुक जा, तब भागेंगे जब ताऊ जी गेट से बाहर कदम रखेंगे। जैसे ही ताऊ जी ने अपना पैर रखा गेट के, और मैंने कहा भाग भाग किधर भागे, और हम छुप गए जाके। ठीक है, कह रही मैं आकांक्षा की सांस फूल गई, मैंने क्या हुआ, 4 धाम यात्रा करवा दी तो उसे इधर उधर भगा दिया। कह रही मैं 8 धाम
आकांक्षा का साइज लार्ज, आकांक्षा छुपी भी। मैंने कहा गए गए ताऊ जी बैठे गाड़ी में, और मैंने कहा अब गए, तब हम बैठे आराम से। तुम अब तब ताऊ जी ब्लॉग देखेंगे तो तुम मिलने जाना ताऊ जी से। कल ताऊ जी को जाएंगे, कल क्या आज चलेंगे ताऊ जी से मिलने दिन में, तब शूट करेंगे ताऊ जी। पहले पूछ लेना शूट कर लो मैं आपके साथ। डांट खाना क्या रहा? आपने भी खाई है? हाँ। क्या खाया? डांट गया ताऊ जी ने, समझाया कि ऐसे गलत था, मतलब ताऊ जी भी एग्री कर रहे हैं। पापा तो गलत था वो, ताऊ जी तो और बड़ी आग दिखाई है। गलत था वो। चलो अब आइए, अगर एडिटिंग तो आप ही कर दो, वही तो गलती तो आपकी है वैसे। भाई वो ब्लॉग डाला था मजाक के पर्पस से, देखो वकील के नाम पे कट, एडिटिंग के नाम पे कट। क्या करूं फिर, घर सेवा के नाम पे एक नंबर हूँ मैं। सेवा करी कौन सी, अभी बता, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। वही तो, मतलब थोड़ा बहुत। हाँ सेवा क्या। क्या सेवा करी? हम ही कर रहे हैं तुम्हारी सेवा। यही पॉइंट है। तेरा रिजल्ट क्यों आ रहा है? तेरा फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? पहले बता, आएगा भाई अभी आएगा। अच्छा उसका वो तो आ ही जाएगा, वो तो उसमें तो पास है। मैं जाने कौन सा पेपर देकर आया आज तो है? आपको अच्छा, आपको बोला गवर्नमेंट, हमें इसे खुश नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं सस्पेंस कर रखा कुछ तो है, आपके तरह हमारे सस्पेंस नहीं रहते ना, हमारा सस्पेंस सस्पेंस ही रह जाता है फिर वो। तो भाई इनका दिमाग अभी तक खुला नहीं है, दोनों का दिमाग फ्रेश है। अगर चाहिए किसी को अभी खरीद लो, अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो भाई आज शाम को दावत है, आज शाम को पार्टी है घर पे ही, पर उससे पहले हम लोग कुछ कुछ अलग अलग पालन जाएगी क्या तेरह के लिए? कल भी है पार्टी। कल भी है पार्टी, फिर दो दो पार्टी है मतलब। क्या करें, कितने सारे लोग हैं तो पहले वीडियो होती चली जाएगी। हाँ पहले अभी जा रहे हैं, अभी तो पहले नहा धो के ब्लॉग अपलोड कर दिया मैंने, 10 बजे आ जाएगा। सो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम लोग यूट्यूब पे आए ना आप लोगों को पक्का पता चल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।